हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 9th सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर था, इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पर अगर आपको कुछ और लगता है सॉल्यूशन, तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इसके हमने मैक्सिमम सही आंसर देने की कोशिश की है। यहाँ पर गाइस, हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, जो कि सही विकल्प। तो यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हम देख सकते हैं, यह है मध्य प्रदेश का। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम। तो इसका राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट। प्राथमिक क्रियाकलापों में निम्न से क्या शामिल नहीं? तो इसका राइट आंसर है संचार। भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? 1 जनवरी 1950। वाटरलू में नेपोलियन की हार किस सन में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है गाइस, यहाँ पर कावला। फिर अगला है हमारे पास, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस सन में हुआ था? तो यहाँ पर हुआ था गाइस 1789 में। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए गाइस, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास, नेल्सन मंडेला का संबंध मुख्यतः खालिस्तान गणराज्य से था। तो इसका आएगा मैं प्रिटोरिया। तो यहाँ पर आप देख लेगा, इसका राइट आंसर है प्रिटोरिया। अगला, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर है M.S. स्वामीनाथन। अगला, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, तो ये है गाइस अमरकंटक। फिर इसके बाद हमें सही जोड़ी बनाना है। तो चलिए गाइस, हम सही जोड़ी बनाते हैं। यहाँ पर पहला है, इसका जो राइट आंसर है डी। अगला जो तृतीय क्षेत्र, इसका राइट आंसर है व्यापार। और जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये हुई थी 2000 में। और जो अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी 1952-57। और जो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 में। अगला क्वेश्चन से गाइस, हमारे पास एक शब्द में हमें उत्तर लिखना है, एक वाक्य में। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र शंखी ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है वेरन द्वीप। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वेरन द्वीप। अगला है गाइस हमारे पास, ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो यहाँ पर पाई जाती है अदृश्य, जिसे हम देख नहीं सकते, अदृश्य बेरोजगारी। अगला है, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ था? तो यहाँ पर हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। नेपोलियन बोनापार्ट 1904 में खुद को कहाँ का सम्राट घोषित किया था? तो ये किया था गाइस फ्रांस का। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 जनवरी। तो गाइज, ये थे कुछ शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन जिससे हमने यहाँ पर कवर किया है। अगर आप बड़े क्वेश्चंस के आंसर भी चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, हम जो आंसर है इसे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल और पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।